फिल्म कांतारा में पंजुर्ली देव और गुलिगा देव बने एक्टर ऋषभ शेट्टी अब भगवान हनुमान का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। पैन इंडियन सुपर सक्सेसफुल तेलुगु फिल्म हनुमान के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म के सीक्वल जय हनुमान की अनाउंसमेंट की है और इसमें वो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं। 31 अक्टूबर के दिन यानी कि दिवाली के शुभ अवसर पर मेकर्स ने जय हनुमान का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है और इसमें एक्टर ऋषभ शेट्टी हनुमान जी के गेटअप और स्पिरिट में दिख रहे हैं, हालांकि उनका फेस एज यूजुअल दिख रहा है। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि फिल्म पुष्पा के भी प्रोड्यूसर्स हैं। जय हनुमान के मेकर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी रिवील किया कि ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन पिक्चर होने वाली है, जिसमें एक अटूट शक्ति और लॉयल्टी की कहानी को दिखाया जाएगा। कलयुग में सेट इस फिल्म में भगवान हनुमान अज्ञेयवास में दिखाए जाएंगे, जो कि उनके प्रभु श्री राम से किए हुए उनके वादे से वचनबद्ध एक एग्जाइल है। फिल्म जय हनुमान भी प्रशांत वर्मा की सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा होने वाली है, जिसकी सबसे पहली फिल्म तेजा सच्चा स्टारिंग 2024 में रिलीज हुई हनुमान थी। जय हनुमान के अलावा अधीरा और महाकाली के नाम से इस यूनिवर्स में दो और फिल्में भी अनाउंस की गई है और इसी से रिलेटेड एक इंटरव्यू में प्रशांत वर्मा ने ये भी बताया कि वो इन फिल्मों के लिए कई बॉलीवुड एक्टर्स को भी कास्ट करने वाले हैं। वैसे फिलहाल एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी अपनी अगली फिल्म कांतारा के प्रीक्वल यानी कि कांतारा चैप्टर 1 पर काम कर रहे हैं, जो कि अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी। खैर, आपको ऋषभ शेट्टी का ये नया लुक कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना।